वही फिर मैं वही सवाल पूछूंगी कि राहुल गांधी का राम मंदिर जाना इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनका आधिकारिक समर्थन के साथ राहुल गांधी जा रहे हैं या सिर्फ व्यक्तिगत बयानबाजी जैसे है उसी तरह व्यक्तिगत तीर्थाटन है उनका, ये क्लियर करना चाहिए। क्योंकि इंडिया अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं एक एक करके अगर बखिया उधेड़ना शुरू किया जाए तो सबने ऐसी आपत्तिजनक बातें बोली हैं कि यहां पर बोल करके आज इतना बड़ा डिसीजन आया है देश में। मुझे पता है कि भक्ति की लहर होगी, इस मूड को मैं डैम्पन नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो आधिकारिक और नॉन आधिकारिक तरीके से जो इंडिया अलायंस राजनीति करने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है उस पे देश की जनता को बहुत सामने से जाकर के प्रहार इकबाल करना अहमद, चाहिए इकबाल और अहमद आरजेडी के मेरे आधिकारिक साथ बयान हैं। लेने के इकबाल लिए। अहमद, आप तो आपके यहाँ तो ठाकुर और ब्राह्मणवादी अलायंस में पंगा चल रहा है, ये राम मंदिर के दर्शन करने के लिए राहुल गांधी जा सकते हैं? नहीं, ये जो चीज़ है, ये भ्रम को आप मत रखें। हमारे नेता जो माननीय तेजस्वी यादव जो हैं, जो युवा पीढ़ी की सोच है, उन्होंने कह दिया है कि हमारी जो पार्टी है A to Z की पार्टी है और समाज के हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं। अब कोई अगर बयान दे करके मीडिया के सामने, या मीडिया वाले भी जो अपना क्वेश्चन जो करने का, जो उनका तर्क होता है, तर्क कर करके अपनी बात को रखने का जो बात रखते हैं, तो उस पर हमारे नेता ने तो क्लियर कर मनोज दिया झा कि को वो किसने उनका मजबूर अपना किया था? उन्होंने तो मामला है पार्लियामेंट इससे। में बोला ठाकुर वाली कविता, उन्हें पार्लियामेंट में किस मीडिया ने बोला था? खुद बोला ना उन्होंने, जिसका पलटवार JDU ने करा। देखिए देखिए, एक्चुअली है कि जिस परिस्थिति में जो अभी देश का जो माहौल है बना के रखा, जो सदन के अंदर में जिस तरह की बात रखी जाती है और जिस तरह की ये रखती है, तो उन्होंने एक अपना चीज़ को सामने ने व्यक्त कर करके वो बताने की कोशिश की है, उसका किसी तरह के वो गलत उसको अब नज़रिए से नहीं देखिए। ओके गौरव भाटिया, उसको गलत नजरिए से मत देखिए। मनोज झा कहते हैं जो उन्होंने ठाकुर विरोधी कविता पढ़ी उन पर पार्लियामेंट के अंदर, RJD कहती है वो कविता दमदार है, शानदार है और जानदार है, JDU कहती है शर्मनाक है, निंदनीय है, और ये सारा माहौल आप लोगों ने खराब कर रखा देखिए है अमित बीजेपी जी, वालों ने। जैसे मैंने बताया, जितने घटक दल हैं घमंडिया के, ये सब कंफ्यूज तो हैं ही, साथ साथ इनके साथ एक और दिक्कत है, नफरत। नफरत है इन्हें हिंदू सनातन धर्म से। आप याद करिए, चंद्रशेखर जी इनके नेता हैं, रामचरितमानस जला दो। जगदानंद जी ने क्या कहा, हम सबने देखा हिंदू धर्म के प्रति नफरत। और इसके साथ अभी जो 2 दिन पहले हुआ है बिहार में, हर भारतीय को शर्मसार कर दिया। एक महादलित महिला, उसको निर्वस्त्र करके पेशाब किया जाता है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछता है एक पत्रकार, निर्भीक था आपकी तरह, माइक लगा के उसने पूछा, मुख्यमंत्री जी ये महिला के साथ क्या हुआ है? कहते अच्छा, कब हुआ, कहां हुआ, मुझे पता नहीं है, मैं जवाब पता जवाब चलता ही इकबाल अहमद जवाब कुछ करूंगा जी। इकबाल अहमद जवाब, 30 सेकंड, जवाब रोकने का काम है, इकबाल अहमद पता करने का काम है RJD लीडर। देखे देखिए देखिए, भाटिया जी जो हैं, भाटिया जी का जो काम है, जो लगातार बैठते हैं आपके चैनल पर और बैठ करके माहौल को क्रिटिकल करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, अब उसके हमारी सरकार उसके जगदानंद ने कहा था तिलक लगा कर रही है, क्योंकि बिहार में देखिए देखिए एक मिनट में बिहार के अंदर में जो सरकार चली है, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी जो जो साथ में चल रहे हैं, यहाँ पर अगर इस तरह की कोई भी घटना होगी, यहाँ किसी का बख्शा नहीं जाएगा। आप पहले अपना देखिए कि आप क्या हैं, और आपकी जहां जहां सरकार चल रही है पहले वहां देखिए, आप जो लोग मुख्यमंत्री कौन है है बिहार का, कि बस दूसरे के चरित्र पर जाकर के उंगली उठाना, पलटू राम नहीं है, उनकी चीज को महिला निर्वस्त्र कर दी मेरी मेरी जो सरकार है, मेरी सरकार बिहार में ठीक चल रही है, मेरी सरकार बिहार में ठीक चल रही है, मेरी सरकार नहीं, सरकार होगी तो पेशाब करोगे महिलाओं पे, लेकर के काफी निर्वस्त्र करोगे, सरकार होगी तो अरे सर नौकरी मांगे के तो लाठी बांधोगे, प्रक्रिया चल रही है, सामने आ जाएगा विरोध करेंगे तो मार दोगे, अलनी जूते अलनी सरकार है कि जंगलराज आप, अरे भैया आप, अरे अरे अब सामने आ जाएगा ना, जांच चल रही है ना, जांच एक सेकंड, चलिए जांच चलेगी, सामने आएगा, लेकिन एक चीज तो सामने है, इकबाल बाबू, इकबाल जी, इकबाल इकबाल सुनिए, एक देखिए आपका नाम इकबाल है तो कम से कम इकबाल पूर्वक एक बात तो बताइए, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण क्यों करना चाहते हैं आप?
बिहार के अंदर रामचरितमानस को लेकर अपशब्द बोलने वालों को प्रमोट क्यों करते हैं आप लोग, इस पर सवाल उठेगा ना, जवाब क्या है? देखिए ये क्यों ये, बोला मनोज झा ने, हमारे सुनिए मेरे, देखिए हमारे जो, देखिए जिस तरह की जो बात है, जो हमारे नेता, हम लोग नेता के आदेश को पर चलते हैं, और तो नेता का आदेश था ये जी हैं मेरे, हमारे तेजस्वी, अरे नेता ही तो आपका पार्टी मार रहा है, बढ़िया आप उनका तेजस्वी बात सुनने दीजिए, बात बोलने दीजिएगा तो बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए प्लीज, आप क्रॉस कर दीजिए, तेजस्वी यादव जी के आपने कभी नहीं देखा कि इस तरह का बयान, तेजस्वी यादव कभी इस तरह के बयान दिए हैं और हमेशा इस बयान को खंडन किया है, और आज के वक्त में हमारी जो पार्टी है ए टू जेड है, और समाज के हर वर्ग को ए टू जेड का मतलब क्या होता है, आपकी पार्टी, आपकी पार्टी बकायदा आरजेडी ने ट्वीट करके बोला, कविता को दमदार, शानदार और जानदार बोला, आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आपकी पूरी पार्टी समर्थन कर रही है, आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होने का मतलब है कि पूरी पार्टी समर्थन कर रही है ना, इसमें तेजस्वी जी की तो बात नहीं आती, ये तो पूरी पार्टी का समर्थन है, लालू जी का भी है, मीसा जी का भी है, राबड़ी जी का भी है, तेजस्वी जी का भी है, तेज प्रताप का भी है, आप फैमिली सपोर्ट है जी, आप माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए, अभी आप इसको डाइवर्ट मत कीजिए कि मेरी पार्टी पूरा, ये हमारे नेता का तो इस पर कोई बयान नहीं आया, माइंड को डाइवर्ट करने, ओके लगता है सुभाष का तक आवाज नहीं जा पा रही है, गौरव भाटिया माइंड को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है, गौरव भाटिया शार्प रिप्लाई, माइंड को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? अरे जब माइंड होगा तो डाइवर्ट करेंगे ना, ये माइंड वाले थोड़ी ना, ये तो नफरती चिंटू हैं, केवल नफरत फैलानी है सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ, जब बोला ये गलत है, ये भाटिया जी आपके मुंह से ये शब्द जो है शोभा नहीं दे रहा है, आप जो आप इस तरह की बात कर, हम लोग हमेशा सामाजिक हमारे नेता ने समाज के शांत कर, अब आप बुला के चाहते हैं चिल्लाएं ये लोग हम पे, हम लोग सुने इनकी बातें, सुनिए मैंने आपसे पहला सवाल किया जब जगदानंद ने बोला तिलक लगाकर घूमने वाले नफरत फैलाते हैं, क्या कार्रवाई हुई? जब चंद्रशेखर ने कहा रामचरितमानस की प्रतिलिपियां जलाओ नफरत फैलाती है, क्या कार्रवाई हुई उन पे? हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को आप तुष्टिकरण की राजनीति करो, यही तो आपका मूल मंत्र है। अरे पलटू राम नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे क्या, जब एक महिला के साथ इस तरह की ठीक है घटना होती ठीक है, आपने बोली गौरव बात, ओके ओके, अब एक अब इकबाल की बात है, क्या हो रहा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, इकबाल अहमद, ओके आरजेडी लीडर मेक योर पॉइंट, इकबाल अहमद, मनोज झा ने ये शब्द क्यों बोले और आप कह रहे माइंड मत डाइवर्ट करिए? देखिए कुछ बात ऐसी होती है जिसको तोड़ मड़ोड़ करके बात को रखा जाता है, बोला जाता है ताकि समाज में भ्रमित पैदा करने जाए है कि अब इस चीज़ को और इस चीज़ को देखा जा रहा है कि क्या मामला है, किस सिचुएशन में कहां पर क्या बात रखी गई है, इस पर ही किया जाएगा। ओके शुभ राष्ट्र आरजेडी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अगर ट्वीट करता है कविता दमदार है जानदार है, तो क्या जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है ये?